हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दोनों में डिफरेंस है। तो जैसा कि क्वेश्चन है, पहले मैं लिखता हूं। क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी एंड फिर साइन ए प्लस साइन बी। तो अगर मैंने ए का वैल्यू 30 रखा, ए का वैल्यू हमने 30 रखा और बी का वैल्यू हमने 60 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन ए। साइन ए क्या है मेरा? ए है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, और प्लस साइन बी क्या है? तो साइन 60 डिग्री। तो देखिए, साइन 30 में 60 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। और इक्वल टू, आपने साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, जैसा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। देखिए, मैंने यहां पर देखा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और फिर क्या है? साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो लिखेंगे प्लस √3/2। अब देखिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। देखिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैं दिखाता हूं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिए। इसके बाद फिर इक्वल टू, इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये क्या होगा? 1+√3। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, जो हम क्या कहेंगे? इसको असत्य लिख देंगे। ठीक है, असत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आपको बताना है कि साइन मतलब साइन थीटा में अगर हम थीटा में वृद्धि करते रहे तो क्या साइन थीटा में वृद्धि होता रहेगा? तो जैसा कि देखिए, आपने आपको पता होगा कि साइन, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं पॉइंट में। इसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू। अब देखिए, आपको पता होगा कि 1/√2 का वैल्यू होता है 1.414, और जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो 0.707 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होता है? साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, और बाय 2 इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.866 आएगा। इसके बाद आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए, पहले 0 था, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, तो इसका मतलब है इंक्रीज करता है, ये बढ़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका गिवन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य है, मतलब वृद्धि होती है, तो लिख देंगे सत्य। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए, मैं जब आपको ट्रिक बताया था तो उस ट्रिक में मैंने बताया था कि साइन थीटा का ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए, 90 डिग्री का क्या है? 1 है, इसके बाद √3/2 है, फिर 1/√3/2 है, फिर 1/2 है, फिर ये 0 है। तो कहने का मतलब है कि ये इसका ठीक उल्टा है, तो ये वृद्धि तो नहीं होगा, ये तो कम ही हो रहा है। मतलब इधर से यहां ज्यादा हुआ, फिर ये कम हुआ, फिर ये कम हुआ, ऐसे करते वृद्धि नहीं हुआ। इसमें जैसे वृद्धि हो रहा था, इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। चलिए आगे है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। सभी मानों पर, चाहे कोई भी मान ले लीजिए, तो क्या ये इक्वल होते हैं? तो आपको ये बताना है। जैसे कि हमने लिया साइन 30 डिग्री, ठीक है, और बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा किसी भी थीटा के मानों पर। तो हमने साइन थीटा लिया, तो क्या करेंगे हम? कॉस 30 डिग्री ही लेंगे।
ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, देख लीजिए एक बार, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं, मतलब सभी मानों पर ये इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री पर ही इक्वल होते हैं, 1/√2, 1/√2, ठीक है, लेकिन किसी मानों पर इक्वल और नहीं होते। चलिए, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा, तो इसका भी आंसर असत्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ए इक्वल टू 0 थीटा पर कॉट, सॉरी 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि कॉट ए, मतलब ए का वैल्यू क्या रखना है, मतलब 0 डिग्री, तो देखिए कॉट ए है तो कॉट का क्या होगा, कॉट 0 डिग्री मतलब अपरिभाषित है ये, तो क्वेश्चन में तो यही गिवन है ना कि ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं मतलब क्या, अपरिभाषित है, तो यहाँ पे तो साफ साफ है कि कॉट थीटा क्या है, अपरिभाषित है 0 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा क्योंकि परिभाषित नहीं है ये ना। तो चलिए आपको ये वीडियो, आई होप कि आप ये वीडियो समझ में आया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।